सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? इवनिंग क्लास में स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, इंडियन हिस्ट्री। ये सबसे एवरग्रीन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सारे एग्जाम्स का जिसमें जीके सेक्शन आता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, आज हिस्ट्री की बारी है। ठीक है, और क्योंकि आज ये पहला वीडियो है, मतलब आज हिस्ट्री का पार्ट वन है, इसीलिए हम लोग आज क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से चालू करेंगे और धीरे धीरे अपकमिंग जो बाकी पार्ट्स आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्वेश्चन हम लोग सिर्फ 10 कवर कर रहे हैं, पर उसके एडिशनल जितने भी अटैच्ड या रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो भी कवर में करता हूं। तो बेसिकली 10 क्वेश्चन के बहाने आप लोग 40 से 50 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो एंड तक पूरा देखिए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, एग्जाम में कॉन्फिडेंटली कवरेज हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, फैक्ट्री क्या होती थी? फैक्ट्री मतलब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सिर्फ इनकी नहीं, पोर्टुगीज की भी थी, डच की भी थी, डेनमार्क वाले लोगों की भी थी, सबकी, डेन्स की भी थी। तो फैक्ट्री मतलब ये नहीं कि वहां पर पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, मशीन लगी है। फैक्ट्री मतलब बेसिकली एक वेयर हाउस, स्टोरेज हाउस टाइप की जगह होती थी। ठीक है, तो इसे प्रोडक्शन फैक्ट्री मत समझिएगा, बट अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो फैक्ट्री इज द मोस्ट कॉमन वर्ड जो हम पढ़ते हैं, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे। तो पहली फैक्ट्री कहां बनी थी? ऑप्शन देखिएगा, आगरा, अहमदाबाद, सूरत, ब्रोच या जो भरूच आप अभी सुनते हैं, इन सब जगह फैक्ट्री है, पर पहली कहां थी? एनी आइडिया? चलिए आंसर है इसका, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन, सूरत इज द आंसर। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट इसमें देख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी वो बनी थी 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, जो वहां की क्वीन थी उन्होंने चार्टर के थ्रू बनाया था इसको, चार्टर जो उनके ऑर्डर्स का बेसिकली नाम होता है, तो जो क्वीन का रॉयल चार्टर जो बोलते थे इसको, उसके थ्रू बना था, और उस टाइम पे एलिजाबेथ वन क्वीन थी ब्रिटेन की। ठीक है, तो उससे बनाया था, फिर इंडिया में आई 1608। इस साल जो कैप्टन हॉकिन थे, कैप्टन हॉकिन थे कहां के? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये पहली बार मुगल कोर्ट में गए थे और वहां के किंग थे जहांगीर, उनसे उन्होंने पहली बार परमिशन मांगी थी, सर हम आपके यहां फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। तो 1608 में परमिशन मांगी गई थी पहली बार, किससे? हॉकिन ने मांगी थी, और वो किसकी कोर्ट में गए थे? जहांगीर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, परमिशन मिली या नहीं मिली? परमिशन नहीं मिली थी उनको, परमिशन बहुत बाद में आके मिलती है 1613 में। तो पहली बार परमिशन 1613 में मिलती है और तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की पहली फैक्ट्री बनती है, और कहां बनती है? सूरत। तो सूरत फैक्ट्री कब बनी थी? 1613 में। तो आप देख रहे कितने क्वेश्चंस हैं, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी? एलिजाबेथ वन ने। पहली बार परमिशन कब मांगी गई थी? 1608। किसने मांगी? हॉकिंस ने। किसके राजा कौन था उस टाइम पे, मतलब हु वॉज द मुगल किंग? जहांगीर। और पहली फैक्ट्री सूरत में बनी, और किस ईयर में बनी? 1613। तो 6 से 7 सवाल जुड़े हुए हैं और हर सवाल बहुत अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फोर्ट विलियम इज लोकेटेड एट, ऑप्शन देख लीजिए, ऑलमोस्ट चारों मेन सिटीज दे दी मैंने आपको, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। ठीक है, अब ऑब्वियसली तब ये नाम नहीं थे, जब ये बना था फोर्ट विलियम तब ये कलकत्ता था, बॉम्बे था, मद्रास था और दिल्ली, एंड सो ऑन। ठीक है, दिल्ली के फॉर्मेशन तो खैर बाद में हुई है, पहले छोटे छोटे जैसे, फिर वो क्या कहते हैं कि तुगलकाबाद था, फिर सीरी एरिया, बहुत सारे एरियाज बने, बाद में दिल्ली बना, तो उसकी हिस्ट्री अभी हटा देते हैं। आप बताइए, मेनली यहाँ पे 3 ऑप्शन बनते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास, और चारों तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स बने हुए हैं। फोर्ट विलियम कहाँ पे था? कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फोर्ट इन इंडिया, ये गढ़ था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री देख लीजिए इसकी। कलकत्ता जो सिटी थी ना, बेसिकली कुछ कस्बे होते थे उनको मिलकर शहर बना दिया, अब तो खैर ये बहुत बड़े शहर बन गए हैं, बट हिस्टोरिकली छोटे कस्बों, 2-3 कस्बों को मिला के बना दिया। कलकत्ता फाउंड किया गया था 1690 में, और फाउंडर कौन थे? जॉब चारनोक, इनका नाम ध्यान रखिएगा, ही इज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता सिटी, और ईयर इज 1690। तो उन्होंने कुछ कस्बे इकट्ठे करे और फोर्टिफाई कर दिया, मतलब बाउंड्री बना दी, और ये बाउंड्री कहलाई फोर्ट विलियम। फिर तो खैर शहर आगे और बढ़ गया, फोर्ट विलियम। एक किंग थे विलियम III के नाम से,
उनके नाम पे स्पोर्ट विलियम का नाम रखा गया है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम बोलता हूं, रॉबर्ट क्लाइव, कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल। इनका एक और नाम था गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। तो कई बार बंगाल के नाम को फोर्ट विलियम के नाम से भी रिप्लेस ऑफिशियली करते थे, ये इंपॉर्टेंस थी वहां की, ठीक है। आई थिंक ये फोर्ट विलियम अभी भी कलकत्ता में, कोलकाता में, आई एम नॉट वेरी, मतलब मैं कभी गया हूं वहां पे, तो अगर आप में से कोई बंगाल कोलकाता के हैं या वहां जा चुके हैं और फोर्ट विलियम आपने अभी देखा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट समझ गए। कलकत्ता 1690, जॉब चार्नोक विलियम थ्री के नाम पे रखा गया है। चारों फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहां पे एक फोर्ट चेन्नई या मद्रास में भी है, बॉम्बे में भी है। इन फोर्ट्स की बात मैं अपकमिंग वीडियोस में करूंगा, ठीक है। चलिए, बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन विच ईयर? दो मेन बैटल्स होते हैं, प्लासी की बैटल और बक्सर। आज मैं बक्सर की बात करने वाला हूं, प्लासी की बात भी अपकमिंग वीडियोस में करूंगा। तो किस ईयर में फाइट करा गया था बता दीजिए? 1764। यहां हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। किसके बीच में हुई थी? एक तरफ तो हमारे ब्रिटिशर्स थे। अच्छा, ब्रिटिशर्स को कौन हेड कर रहा था इस बैटल ऑफ बक्सर में? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ये एन होगा, ठीक है। और दूसरी साइड कुछ इंडियन रूलर्स थे, कौन थे? उनके नाम देख लीजिए। एक थे मीर कासिम, कुछ किताबों में आपको के एस आई एम भी मिलेगा, पर मीर कासिम ये कौन थे? ही वॉज नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद शुजा उद दौला, शुजा उद दौला ये थे नवाब ऑफ अवध, जो लखनऊ के आसपास कह रही है उसको अवध बोलते हैं। और फिर थे शाह आलम टू, शाह आलम टू ये कौन थे? ये मुगल रूलर थे। तो ये तीनों मिल गए थे, एक तरफ मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, शुजा उद दौला जो अवध एरिया के नवाब थे, और शाह आलम टू मुगल मिलकर लड़े थे ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स की फौज को हेड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो पर भी सवाल मैंने काफी देखे हैं, इन तीनों पर भी सवाल काफी देखे हैं। जीता कौन? ब्रिटिशर्स जीते थे। एंड दिस वॉज द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल्स ऑफ द एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन हिस्ट्री। और उसका रीजन समझ लीजिए, इस बैटल के बाद एक ट्रीटी हुई थी 1765 में, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो हम हिस्ट्री में ध्यान रखेंगे इस बात का, बहुत सारी बैटल्स हुई, तो बैटल में ईयर कौन सा था, कौन लड़ा था, उसके बाद ट्रीटी कौन सी साइन हुई। ट्रीटी वाला सवाल आप यकीन नहीं करेंगे, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी वॉर्स, कि भाई इस वॉर में ट्रीटी कौन सी हुई या ये ट्रीटी कौन सी वॉर की थी। तो ट्रीटी, हर वॉर के बाद ट्रीटी होती है, ऑलमोस्ट 90% वॉर के बाद तो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज होती हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। तो बक्सर के बाद कौन सी हुई थी? अलाहाबाद। अब इस ट्रीटी में मेन पॉइंट्स क्या थे? देखो, मेन पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, एक मेन पॉइंट समझ लीजिए जो हमें जरूर ध्यान रखना है। अलाहाबाद ट्रीटी के हिसाब से ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया था? दीवानी राइट्स, दीवानी के राइट्स। दीवानी के राइट क्या होते हैं? राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यूज। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी, सिर्फ ट्रेड करती थी, इट वॉज अ कमर्शियल एंटिटी। इसके बाद क्या बन गई? वो पॉलिटिकल एंटिटी, कि अब वो राइट्स भी, टैक्स भी कलेक्ट करेगी। जो चाहे भाई, टैक्स तो सरकार कलेक्ट करती है, अब ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये राइट कहां कहां मिला इनको? बंगाल में मिला, उड़ीसा में मिला और बिहार में मिला। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद बन गए ब्रिटिशर्स एक पॉलिटिकल पावर। और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर 1772 में वॉरन हेस्टिंग आएंगे। ये फर्स्ट वाली जो कहानी की, पहले ये कौन थे, पहले कौन थे, वो भी मैं पूरी क्लियर करूंगा आपको, पर पहले सिर्फ आज इतना ध्यान रख लो कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल या पहले गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, ठीक है, ये याद आया आपको, ये देखो फोर्ट विलियम कौन थे, ध्यान रखिएगा नाम, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। चलिए, उसके बाद आए थे वॉरन हेस्टिंग 1772 में। बस इतनी कहानी ध्यान रख लीजिए, एक तरफ ब्रिटिश, एक तरफ ये सारे राजा, तीन का नाम, अलाहाबाद की ट्रीटी और ये दीवानी राइट्स, ठीक है। इसके बाद तो फिर ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एरिया का एरियाज ऑक्यूपाई करे, बट कहानी शुरू यहां पे हुई थी। चले आगे बढ़ते हैं। अगर आपको और क्लैरिटी से याद करना है, और ये नाम देना था बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मेमोराइज करना है, वीडियो पॉज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, हु इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। ये बड़ा ही क्या कहेंगे इसको, इंटेलेक्चुअल, बहुत ही चालाक स्टेप था,
मतलब और ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ ब्रिटिशर्स को एक्सपेंशन करने के लिए। ये सिस्टम क्या है पहले समझ लीजिए, सिस्टम ये था इसके तहत ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया था, एक बार चलो देख लेते किसे इंट्रोड्यूस किया, कौन, वेलेस्ली, ठीक है। 1798 में वेलेस्ली बने थे गवर्नर जनरल, उन्होंने ये स्टेप लिया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए, तो सिस्टम ये था, सब्सिडरी का मतलब होना कि किसी के सबॉर्डिनेट हो जाना, तो इसमें दो चीजें थी, इसमें ब्रिटिशर्स किसी स्टेट को अपना सब्सिडरी बनाते थे, ठीक, तो इसमें ब्रिटिशर्स क्या कहलाते थे, पैरामाउंट पावर, और स्टेट क्या कहलाएगा, सब्सिडरी पावर, या सब्सिडरी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके सबॉर्ड, सब्सिडरी बोल लो या सबॉर्डिनेट बोल लो, बेसिकली उसके कंट्रोल में आएगा। अब यहां पे चक्कर ये था, वो देखिएगा, चक्कर ये था, फॉर एग्जांपल मैं ब्रिटिशर हूं और मैंने एक स्टेट को ऑक्यूपाई किया बाय सब्सिडरी अलायंस, तो अगर एक्स स्टेट के राजा ने मेरे साथ अलायंस साइन कर लिया तो इसका मतलब वो मेरा सब्सिडरी बन गया, मैं उसकी पैरामाउंट पावर बन गया, मतलब मेन पावर। अब इससे क्या होगा, जो एरिया है उसमें आर्मी ब्रिटिश की रहेगी, उस एरिया उस राज्य के राजा को अपनी अपनी आर्मी डिसबैंड करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी, उसके बाद एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो होगा वो उस राजा की कोर्ट में बैठेगा। चौथी बात, ब्रिटिशर्स ने यह वादा किया था कि वो उस राज्य के इंटरनल अफेयर में इंटरफियर नहीं करेंगे, पर ये कहने की बात थी, अच्छा खासा इंटरफेरेंस होता था यह मत जानते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर उस राजा को किसी एक्सटर्नल पावर से इंटरेक्ट करना है किसी और राजा से, तो ब्रिटिश परमिशन के बिना इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और इसके बदले ब्रिटिशर्स क्या प्रॉमिस करते थे कि वो उस राज्य की रक्षा करेंगे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी और एक्सटर्नल अटैक से भी, और इसके बदले में उस राज्य को ब्रिटिशर्स को एक अच्छा खासा रेंट भी देना पड़ता था। तो अब देख रहे हैं कितना सिंगल साइडेड ये एक तरह का सिस्टम था, बट स्मार्टली उन्होंने अप्लाई किया इसको, ठीक। तो पहली चीज में था ना, कौन से गवर्नर जनरल आए थे, वेलेस्ली, आप याद कर लो, वेलेस्ली का नाम कहां से, वॉल, बेसिकली सिस्टम एक वॉल बना देता है कि भाई अपने वॉल में रहो और कुछ नहीं करना आपको, अपने एरिया में रहो, तो आप उससे वेलेस्ली नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अब एक और जरूरी सवाल जो आपके दिमाग में शायद अब तक आ गया होगा, ऐसा कौन सा पहला स्टेट था जिसको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था, तो विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी ब्रॉट अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बाय ब्रिटिशर्स, इसका आंसर देख लीजिए। अच्छा, चारों स्टेट को ऑक्यूपाई करा गया था सिस्टम के अकॉर्डिंग, सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग, पर पहला कौन सा था, हैदराबाद, ईयर कौन सा था, 1798। उस समय हैदराबाद के नवाब थे निजाम अली खान, निजाम अली खान, ठीक है। तो 1798 में हैदराबाद, उसके बाद ऊध, ऊध मतलब अवध, लखनऊ के आसपास का एरिया, फिर तंजौर, सूरत, इनको भी ऑक्यूपाई करा गया, पर पहला कहता है हैदराबाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। और एक बात और, जीके वाली खास बात, अगर पता है आपको तो हैदराबाद मार्क कर दोगे, वरना आप मुझे ईमानदारी से बताओ, क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि कोई भी स्टेट फर्स्ट हो सकता था, ठीक है। तो याद करिए, मेमोराइज करिए, और आई थिंक बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय, अब आप जानते हैं रेवेन्यू सेटलमेंट के तीन रास्ते होते थे, उसमें से हम पहले की बात करेंगे। पहला कौन सा था, मतलब आप किस तरह से जिस राज्य पे आप राज्य करते हैं उसमें रेवेन्यू कैसे कैसे ले सकते हैं, उन सिस्टम्स के नाम होते हैं, जैसे अभी इनकम टैक्स होता है ना, उस तरह से। तो पहले सिस्टम का नाम था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, दूसरे का नाम था रेयोतवारी सिस्टम, रेयोतवारी, और तीसरे का था महलवाड़ी, महलवाड़ी। आज हम सिर्फ परमानेंट वाले की बात करेंगे, इन दोनों की बातें हम अपकमिंग वीडियोज में डिटेल में करेंगे, ठीक है। वैसे एक बात बता दूं आपको, रेवत का मतलब होता है जो टेनेंट, जो काम करता है, क्या कहते हैं, फार्म्स वगैरह में, किसान, किसान बोल सकते हैं इसको आप। और महल मतलब होता है विलेज की एक यूनिट को, महल मतलब कलेक्शन ऑफ विलेजेस को महल बोलते हैं, एक यूनिट की तरह बोल सकते हैं आप, कई बार एक विलेज को भी महल बोलते हैं, कई बार कलेक्शन को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों की बाद में करेंगे, परमानेंट की बात करते हैं। ये देख लीजिए, परमानेंट सेटलमेंट, अब यहां इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवॉलिस, कॉर्नवॉलिस ने इंट्रोड्यूस किया था, और कहां इंट्रोड्यूस किया था, बंगाल में। और इसके अलावा देखिए, हिंदुस्तान में ऑक्यूपाइड अलग अलग हिस्सों में इन तीनों में से कोई एक सिस्टम चलता था, तो कौन सा सिस्टम कहां चलता था, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमानेंट सेटलमेंट कहां चलता था, बंगाल में जहां शुरू हुआ था, उड़ीसा में और बिहार में, इन तीन एरियाज में, ठीक, एक्चुअली पड़ोसी एरिया थे तो यहां पे चलता था,
तो बंगाल उड़ीसा बिहार में चलता था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको इंट्रोड्यूस बंगाल में करा गया था कॉर्न वॉलिस के द्वारा। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्न वॉलिस का नाम। सिस्टम था क्या जल्दी समझ लीजिए, इसमें लैंड के ओनर्स कौन होंगे, जमींदार। तो लैंड के ओनर जमींदार हैं, जमींदार को एक फिक्स रेंट ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। जब तक जमींदार वो फिक्स रेंट ब्रिटिशर्स को देता रहेगा तब तक वो मालिक बना रहेगा, वरना वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फिक्स कुछ टाइम के लिए फिक्स कर दिया रेंट इतना देना है। अब एक जरूरी बात थी यहां पे, परमानेंट सेटलमेंट में बोला गया था कि ये रेंट को ब्रिटिशर्स बढ़ा नहीं सकते, पर ये कोई अच्छी बात नहीं है। रेंट ऑलरेडी इतने हाई होते थे कि बहुत परेशानी होती थी, मतलब कुछ एरियाज में 80-90% के बीच का रेंट होता था, लगभग 89% के आसपास। 89% आप याद कर सकते, सोचिए कितना हाई, मतलब इतना हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। इस कारण से एक तो टेनेंट्स रेवत या जो टेनेंट जो जमीन पे काम करता है, टेनेंट जमींदारी सिस्टम में मालिक नहीं था, वो सिर्फ टिलर था कि आप टिल करिए लैंड को, आप मालिक नहीं हो। मालिक कौन था? जमींदार। ठीक है, और जमींदार पे भी बहुत प्रेशर था कि भाई इतना हाई रेंट ना दे पाए तो प्रॉब्लम होती थी। कई बार सूखा पड़ गया फिर भी रेंट माफ नहीं होता था, इस कारण से पे नहीं कर पाए, जमींदार को हटा दिया। ठीक, एक चीज और, जमींदार के पास जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी वो भी छीन ली थी। आप बस रेंट कलेक्ट करो, उसका हिस्सा देते रहो, मालिक बने रहो, आपके पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं रहेगी। तो ये स्टेप एक्चुअली किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। जमींदार भी मालिक भले ही हैं पर पावर काफी कम हुई, और टेनेंट्स का तो पूछिए मत, उनकी क्या हालत होती थी, बहुत बुरी हालत होती थी। ठीक है, यही सब चक्करों के कारण परेशान होकर 1857 का रिवोल्ट हुआ था। दिस वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस का नाम ध्यान रखिएगा, तो आंसर भी देख लीजिए, कॉर्नवालिस। सेवेंथ, अब हम आते थोड़ा रिवोल्ट की एक दो बातें कर लेते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें बहुत सारे एपिसेंटर्स थे, ठीक है, कि और हर जगह अलग अलग पर्सन्स ने लीड लेके रखी थी, लीडरशिप दे रहे थे, तो उस पर सवाल बहुत बनते कि भाई यहां कौन था, वहां कौन था, एंड सो ऑन। तो उसके दो सवाल लाया हूं, बाकी सवाल तो बहुत सारे रहेंगे, अपकमिंग वीडियोज में सारे कवर करूंगा मैं। ठीक है, चलिए सवाल देख लीजिए। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? आपको बिहार के लीडर का नाम बताना है। ऑप्शन देख लो, जनरल बख्त खान, नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर, इन सब लोगों ने किसी ना किसी एरिया में लीडरशिप दी थी। बिहार के लीडर थे कुंवर सिंह, ही वॉज अराउंड 70 साल के जमींदार थे, उन्होंने लीडरशिप दी थी। चलिए बाकी ऑप्शन देख लीजिए। जनरल बख्त खान दिल्ली में थे, नाना साहेब कानपुर में थे, और खान बहादुर बरेली में थे, और कुंवर सिंह बिहार में थे। लीडर्स और भी थे, उनके क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कुंवर सिंह। एक नाम, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, कानपुर में कौन था? नाना साहेब। ठीक है, बख्त खान दिल्ली में, खान बहादुर बरेली में, कुंवर सिंह बिहार में, और नाना साहेब कानपुर। ठीक है, तो इस लिस्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया? इसका आंसर देख लीजिए, स्टैनली इज द आंसर। ठीक है, नाइन्थ और टेंथ क्वेश्चन रिलेटेड है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं फिर थोड़ा समझाऊंगा बात, बहुत अर्जेंट बात है वो। तो पहला क्वेश्चन समझ लो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे पहले? स्टैनली। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या है? कैनिंग। अबे दोनों कहानी एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, 1857 के रिवोल्ट के पहले इंडिया में कौन होते थे? गवर्नर जनरल। फिर 1857 के रिवोल्ट को जब खत्म करके ब्रिटिशर्स जीत गए, रिवोल्ट को उन्होंने सप्रेस कर दिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 का। कहां पास होता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उसमें क्या चेंज होता है? उसमें पहले इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, अब यह कंट्रोल कहां ट्रांसफर कर दिया? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन। तो दिस एक्ट ट्रांसफर्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। और ब्रिटिश क्राउन कौन? मतलब जो क्वीन होती थी उनके अंडर। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे आफ्टर 1858। अब इससे क्या फर्क पड़ता है वो देख लीजिए। ब्रिटेन में, ब्रिटेन की पार्लियामेंट होती है, वहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसे हमारे यहां आजकल चलता है, तो उस पार्लियामेंट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, एंड दीज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के ऊपर कौन आता है? मोनार्क। जैसे हमारे इंडिया में डायरेक्ट हेड होता है, हमारे हेड प्रेसिडेंट है जो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं उनका जो इलेक्शन, मतलब जो
इलेक्शन प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, मतलब उसमें हम लोग वोट नहीं करते हैं, पर एमपी एमएलए वोट करते हैं, पर इलेक्शन तो हुआ ना, तो हमारे हेड इलेक्टेड हेड हैं, तभी हम लोग रिपब्लिक हैं। पर ब्रिटिशर्स के जो हेड हैं जैसे क्वीन, उनका इलेक्शन नहीं होता, वो है मतलब उनके खानदान के लोग हेड बनते रहेंगे, तो इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है, वो मोनार्क है। तभी हम लोग रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम के हैं और वो लोग मोनार्कियल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट दोनों जगह है, पर हमारे हेड इलेक्टेड हैं, नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर इलेक्शन तो है ना। ठीक, और जैसे अब कोविंद जी है, रामनाथ कोविंद, अब इनके परिवार कोई अगला मेंबर प्रेसिडेंट नहीं बन सकता जस्ट बाय द पोजिशन, हाँ इलेक्ट होके बन सकता है, ठीक है, पर ब्रिटेन में क्या होता है, क्वीन के बाद उसी परिवार के लोग हेड बनते रहते हैं, इसलिए उसको मोनार्की बोलते हैं, मोनार्क, ठीक है, मतलब राजा टाइप का जो कॉन्सेप्ट, राजा या क्वीन जो भी बोलना चाहे, समझ गए। अब सिस्टम समझिएगा, तो ब्रिटेन में होती है पार्लियामेंट, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, उनमें से 1858 से इस एक्ट के बाद एक मिनिस्टर को इंडिया की जिम्मेदारी दी गई, मतलब ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, वही पूरी जानकारी इंडिया के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा, और वो ब्रिटेन के कैबिनेट का हिस्सा होता था, वहां का मंत्री होता था, और क्योंकि मंत्री था इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी पार्ट होगा। उस इंसान, उस पोस्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कहां रहेगा, इंडिया में, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में, वहां का मंत्री है वो, ठीक है। मोनार्क का जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रहेगा, जो पहले गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या दे दिया, वाइस रॉय, तो वाइस रॉय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश मोनार्क इन इंडिया, ठीक है, तो अंतर समझ गए। क्या वाइस रॉय ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट होगा, नहीं, पार्ट कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो एक्चुअली होता यह था कि इंडिया का हेड उस समय वाइस रॉय था, मतलब वो पूरा काम संभालता था, वो रिपोर्ट करता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को पूरा जानकारी देता था कि भाई क्या हुआ, जैसा जो भी जानकारी थी, ये पूरा ऑर्डर था, ठीक है। तो दिस पोस्ट वॉज आफ्टर द 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब पहले बात ही सुन लीजिए, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी वो पहले कौन थे, स्टैनली, 1858 में बने थे ये, और ये लगभग एक साल के आसपास रहे थे 1858 में, 1859 तक। उसके बाद अगले चार्ल्स वुड आए थे, ये शायद 1866 तक रहे थे, तो चार्ल्स वुड वॉज फ्रॉम 1859 टू 1866। उसके बाद मिस्टर ग्रे आए थे, फिर क्रेनबोर्न, ये ऑर्डर था, आपको बस एक नाम ध्यान रखना है, स्टैनली का, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वाइसरॉय पे आ जाते हैं, लास्ट सवाल देख लीजिए, अब देखिएगा, जब 1857 में रिवोल्ट हुआ उस समय इंडिया में कौन होते थे, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक, तो कैनिंग 1856 में बन गए थे हेड इंडिया के, तो कौन बन गए थे, ये गवर्नर जनरल। तो 1856 में कैनिंग को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया, फिर 1857 में क्या हो गया, रिवोल्ट हो गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स जीत गए, सप्रेस कर दिया उन्होंने रिवोल्ट, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आता है, उसके बाद नई पोजीशन क्रिएट होती है, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरी कौन सी, वाइस रॉय। अब ये नाम, नाउ गवर्नर जनरल पोस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय वाइस रॉय, और इंडिया के पहले वाइस रॉय कौन बने थे, कैनिंग को ही कंटिन्यू करा गया था। और ये, अब कैनिंग की कहानी समझ गए आप, 1856 से लेके 58 तक कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल, और 1858 से लेके 1862 तक कैनिंग ही पोस्ट पे थे, पर नाम क्या था उस पोस्ट का, वाइस रॉय, उसके बाद बाकी लोग आते गए, समझ गए। तो दो सवालों का आंसर कैनिंग है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द आंसर इज कैनिंग, हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, द आंसर इज अगेन कैनिंग, तो दोनों का आंसर कैनिंग ही रहेगा, समझ गए आप लोग। तो इसलिए ये नाम बहुत जरूरी है, और दोनों नामों का अंतर ध्यान रखिएगा, वरना गवर्नर जनरल, वाइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसमें हम बहुत बुरी तरह कंफ्यूज करते हैं। अब आई थिंक क्लैरिटी आपको आ गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस, कल हिस्ट्री के और भी बहुत सारे पार्ट्स अपकमिंग डेज में मिलेंगे आपको, फॉलो करते रहिए, सवाल भी एक्सप्लेनेशन भी। देखिए मैं काम बहुत जल्दी कर सकता हूँ कि क्वेश्चन बताए आंसर बताए, उससे फायदा नहीं होता, जब तक पूरे डिटेल और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, तो जब तक पूरा अम्ब्रेला मैं कवर नहीं करूंगा आपके साथ जस्टिस नहीं होगा तैयारी के साथ, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको। अब कल का बता दूं मैं आपको, कल सुबह 10 बजे हमारा आएगा टॉप 10 जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो हर दिन आता है, आज का भी आ चुका है, वो भी देख लीजिएगा, कल सुबह भी आएगा, और कल जो इवनिंग वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग दोबारा जाने वाले हैं ज्योग्राफी के पास, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर कल
जो उसके टॉप क्वेश्चंस है वो हम शाम को रिलीज करेंगे वो वीडियो, उसको भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, पढ़ते रहिए, टाइम को यूटिलाइज करते रहिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।